किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा निकाली जा रही है ट्रैक्टर परेड। आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के आदेश पर निकली ट्रैक्टर परेड पहुंची अजमेर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पिछले 2.25 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल भी ट्रैक्टर परेड के माध्यम से किसानों की बात केंद्र तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटे हैं। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश लांबा के नेतृत्व में निकाली गई ट्रैक्टर परेड अजमेर से गुजरी। मीडिया से बात करते हुए लांबा ने बताया कि सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे, MSP की गारंटी दे और तीनों काले कानूनों को वापस ले। जब तक यह मांगे पूरी नहीं होगी तब तक किसान आंदोलन पर उतारू रहेंगे, इसलिए ट्रैक्टर परेड करके सरकार के खिलाफ राजस्थान भर में विरोध जताया जा रहा है। परेड में शामिल ट्रैक्टरों पर RLP के झंडे लगे हुए थे और यह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जयपुर की ओर कूच कर गए। क्यों रैली निकाली गई है, क्या उद्देश्य? किसानों के समर्थन में रैली निकाली गई है। जो तीनों कालों कानून लाए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के अहित में हैं। उस चीजों को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर आदरणीय हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन तीनों कालों कानून को वापस लेकर संपूर्ण स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए और किसानों को हक दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो दिल्ली के अंदर जो एक शर्मनाक कार्य किया जा रहा है, जो विश्व में पहली बार हो रहा है कि रोड के बीच में किले ठुकवाई जा रही है, ये किसके लिए है? कहीं ना कहीं ये किसान के बेटे आज वहाँ बैठे हैं, तो आप उनकी मूलभूत सुविधाएं देने के बजाय, उनकी बात सुनने के बजाय उनको रोककर और देश में उनको आतंकवादी और कहीं ना कहीं उग्रवादी घोषित करने की जा रही है। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र था जिससे किसानों को बदनाम किया जाया है। हम मांग करते हैं सरकार से किसानों को संपूर्ण न्याय मिले और तीनों काले कानून वापस लेकर संपूर्ण स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। धर्मेंद्र सिंह रावत, जिला अध्यक्ष अजमेर। मेरा नाम जगदीश लांबा है, RLP में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये जो भारत सरकार ने किसानों के लिए तीन काले कानून बनाए हैं, उनकी वापसी के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, MSP की गारंटी देने के लिए, हम किसानों के समर्थन में हमारी पार्टी RLP पूरे राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल के आदेश पे पूरे राजस्थान में ट्रैक्टरों की परेड करके किसानों को आंदोलन का समर्थन दे रहे हैं और मोदी सरकार की नींद जगा रहे हैं कि जाग जाओ मोदी जी, अभी समय है, किसान जाग चुका है। हिंदुस्तान का किसान जब जाग जाता है तो फिर वापस पूरा काम ये बिना सोता नहीं है, इसलिए आपकी भलाई सरकार की इसी में है कि किसानों की वाजिब मांगों को मान लो और जल्दी जल्दी काले कानून वापस लो, MSP की गारंटी दो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करो। आज हिंदुस्तान का किसान बिल्कुल सड़कों पर है, इसलिए सरकार को सुध लेनी चाहिए और RLP परिवार पूरा रोड पर खड़ा है, सड़क पर हमारे नेताजी किसानों के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, तो इस आवाज़ को सुन लो और सरकार की भलाई इसी में है कि इन मांगों को वाजिब मांगे हैं, इनको पूरी करो। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर।